Hey guys, welcome or welcome back to my channel Ibka Fashion. और आज मैं शेयर करने जा रही हूँ ट्विन लहंगा हॉल. और ये मैंने परचेज़ करा है अमेजोन से, और सेकेंड वन मैंने परचेज़ करा है मीशो से. मीशो का जो लहंगा होने वाला है ना, वो सब्सक्राइबर चॉइस के होने वाले हैं. सो स्टे ट्यून्ड एंड लास्ट तक वीडियो जरूर देखिएगा बिना स्किप करे. अगर आपको मेरे चैनल की कोई भी वीडियो थोड़ी सी भी हेल्पफुल लगती है तो मेक श्योर कि चैनल को सब्सक्राइब कर लें एंड पास का बेल आइकन भी हिट कर दें. मैं ऐसी वीडियोस लेकर के आती रहती हूँ. सो विदाउट एनी डिले लेट्स गेट स्टार्टेड. सो गाइस, जो फर्स्ट वन है ना, ये मैं आपके साथ शेयर करने वाली हूँ. ये है मेरी पसंद के लहंगा, एंड यू कैन सी ये मेरी पसंद के लहंगा है. ये इसे मैंने परचेज करा है अमेजोन से. सो वन बाय वन मैं आपको इसका रिव्यू शेयर कर देती हूँ वन बाय वन, इसमें मुझे क्या क्या रिसीव हुए हैं और कैसे इसकी क्वालिटी है. एंड प्राइस वाइज देखा जाए ना तो ये काफ़ी रिजनेबल है, आप इसे अफोर्ड कर सकते हो. सबसे पहले ना आपको इसका जो ब्लाउज का फैब्रिक मिलने वाला है ना वो आपको शो कर देती हूँ. उसके लिए ना मुझे इस तरह से फैब्रिक रिसीव हुए हैं, इस तरह से एम्ब्रॉयडरी करी हुई. ये आई थिंक ये फ्रंट या बैक के लिए हो सकती है. एंड इस तरह से मुझे और थोड़ी सी फैब्रिक रिसीव हुई है, यू कैन सी इस तरह से लॉन्ग में ये है. इस तरह से फैब्रिक यूज करी गई है, ये टैफ्टा सिल्क के ऊपर इस तरह से एम्ब्रॉयडरी की गई है. एंड अगेन इतना आपको फैब्रिक मिल जाता है सिंपल फैब्रिक. ओवरऑल अगर देखा जाए तो 1 मीटर के अप्रॉक्स में आपको इसका फैब्रिक मिल जाता है विथ एम्ब्रॉयडरी. नाउ आपको दुपट्टा शो कर देती हूँ. दुपट्टा ना नेट के फैब्रिक पे है एंड काफ़ी अच्छा भी लग रहा है. दोनों साइड में ना आपको इस तरह से वर्क देखने को मिलने वाला है, काफ़ी अच्छी क्वालिटी की यहाँ पे आपको एम्ब्रॉयडरी मिल जाती है. धागे एंड जरी का वर्क है चारों तरफ आपको मिल जाता है. दुपट्टे की लेंथ आपको 2.5 मीटर मिल जाती है, एंड जो इसका विड्थ है ना, ये विड्थ आपको इतना मिल जाता है, यानी प्रॉपर विड्थ भी आपको मिल जाती है. और इसमें कुछ ऐसा नहीं है जो मैं आपको एक्स्ट्रा में बताऊं, बट मैं इसे हाईली रिकमेंड करूँ. पर्सनली मुझे ये काफ़ी सेटिस्फाइड लगा है प्रोडक्ट, और इसीलिए मैं आपको रिकमेंड कर रही हूँ. सो आप लहंगा देख लो. लहंगा ना आपको इस तरह से रिसीव होगा, ऊपर में आपको इस तरह से सिंपल आपको बेल्ट मिल जाएगा, और इसके जो कमर की साइज है ना ये आपको 42 तक हो जाएगी, उससे अबव नहीं हो पाएगी. एंड ये सेमी स्टिच लहंगा है अगेन, और ये ना इस तरह से पूरा सिंपल है. एंड नीचे में ना आपको इस तरह से एम्ब्रॉयडरी मिल जाएगी, काफ़ी अच्छी क्वालिटी का इसमें जो धागा है ना वो यूज करा गया है. एंड साथ में जरी का वर्क मिल जाता है सिल्वर कलर, देख सकते जैसा पिक्चर में है ना एग्जैक्टली मुझे मिला है. और मैं इसीलिए इसे ना हाईली सजेस्ट करूँगी, आप इसे डेफिनेटली ट्राई करो. इसी तरह से आपको पूरा बॉर्डर मिल जाएगा ऊपर में, जबकि आपको प्लेन मिलेगा, एंड नीचे में आपको इस तरह से बॉर्डर मिलेगा. ओके, आप इसे ना डेफिनेटली ट्राई करो. अंदर में आपको एक इस तरह से सिंपल सैटिन की लाइनिंग मिल जाती है शाइनिंग वाला, और इसी में आप देखोगे इस तरह से कैनवास यूज करा हुआ मिल जाएगा आपको नीचे में. एंड यस, ओवरऑल इतना ही है. घेरा इसका काफ़ी ज़्यादा है, सो इसे मैं हाईली सजेस्ट करूँगी आप इसे ज़रूर ट्राई करना. और आफ्टर स्टिचिंग ना ये काफ़ी अच्छा लगेगा, ट्राई ऑन में उतना अच्छे से निखर के नहीं आ पाता, एक ओवरव्यू आपको मिल जाता है कि ये ऐसा लगेगा. सो आप इसे डेफिनेटली ट्राई करो. मुझे ये पर्सनली रियली काफ़ी अच्छा लगा. इसका जो लिंक है ना वो आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा. नेक्स्ट जो रिव्यू मैं आपके साथ शेयर करने जा रही हूँ ना, उसका वो ये वाले लहंगे हैं. ये डार्क ग्रीन कह सकते हो, उस टाइप में है. ये एक्वा कलर में काफ़ी सुंदर लग रहे हैं, एंड काफ़ी प्रेटी भी लग रहे हैं, एंड क्वालिटी वाइज रियली मस्ट है एंड अफोर्डेबल है. ये इससे मैंने मीशो से परचेज करा है. ये मीशो लहंगा रिव्यू है, सो आपको ज़रूर पसंद आएगा. एंड सबसे पहले ना आपको मैं ब्लाउज शो कर देती हूँ. ब्लाउज के लिए ना मुझे इस तरह से एम्ब्रॉयडरी मिल जाती है, इस पर भी आपको धागे का वर्क एंड मिरर का वर्क मिल जाए. इसके पहले भी मैंने ना रिव्यू इसका शेयर करा हुआ है, बट वो डिफरेंट कलर का था, और इस बार ना ये डिफरेंट कलर है, बॉटल ग्रीन टाइप का, उससे भी डार्क कलर है ये. इस टाइप का आपको फ्रंट के लिए मिल जाता है, एंड स्लीव्स के लिए इस तरह से एम्ब्रॉयडरी मिल जाती है दोनों स्लीव्स के लिए. एंड उसके साथ में इतना मुझे अलग से भी फैब्रिक मिला है, अराउंड 50-60 सेंटीमीटर के अप्रॉक्स में ये फैब्रिक है. ये आई थिंक बैक साइड के लिए है, एंड दैट्स इट. नाउ अब इसका दुपट्टा आपको शो कर देती हूँ. दुपट्टा आपको ना इस तरह से मिल जाएगा,
चारों तरफ आपको इसी तरह से मिरर वर्क एंड स्टोन वर्क के साथ में मिलेगा। धागे की एम्ब्रॉयडरी की गई है एंड जो इस ये दुपट्टा है ना, ये पैरेट ग्रीन कलर किया गया है, तो ना कंट्रास्ट काफ़ी अच्छा निकल के आ रहा है। बाकी आपके ट्रेन में शो हो रहा होगा कि कैसा ये लग रहा है। ओवरऑल जो व्यू होता है ना ट्रायन का, वो एक सिंपल एक लुक हम क्रिएट कर लेते हैं कि ये ऐसा लगेगा। एक्चुअल में बनने के बाद लहंगा ना वो और भी निखर के आता है। सो मैं तो इसे हाईली सजेस्ट करूँगी एंड जो इसका कोड है ना आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा। एंड ये फुल पैसा वसूल होने वाला है। एंड अब आपको लहंगा शो कर देती हूँ। लहंगा ना आपको इस तरह से मिलने वाला है, बेल्ट पे आपको इस तरह से सिंपल मिलने वाला है। एंड यस, इसका मैं साइज बता दूँ, साइज ना आपको अराउंड 42 हो जाएगा ये आराम से। एंड ये सेमी स्टिच लहंगा है, तो आप समझ सकते हो कि इसे ट्राई ऑन में शो करना कितना मुश्किल होता है, बट या ओके है। आपको एक सिंपल सा एक लुक मिल जाता है कि एग्जैक्टली ये कैसा दिखेगा, बट प्योर एग्जैक्टली वो कैसा दिखता है ये आपको आफ्टर वियरिंग पता चलता है जब ये फुल बन जाता है। तो ना अब आपको इसकी एम्ब्रॉयडरी दिखा देती हूँ। ये अगेन ना कली वाला लहंगा है और इस पर पूरी आपको एम्ब्रॉयडरी मिलेगी विथ स्टोन वर्क एंड मिरर वर्क आपको देखने को मिलेगा। ऊपर में आपको स्टोन वर्क से देखने को मिलेगा, बट जैसे ही आप नीचे जाते हो ना, नीचे में आप देखोगे इस तरह से आपको पूरे मिरर आपको वर्क देखने को, रियल मिरर है, ऐसा नहीं है कि ये आर्टिफिशियल, रियल मिरर है ये। एंड ये पेस्टेड है, इतना जल्दी निकलने वाला भी नहीं है। एंड नीचे में आपको ना इस तरह से एक लाइनिंग मिल जाती है, और लाइनिंग के या सिर्फ लाइनिंग मिल जाती है एंड नथिंग एल्स। बट ये ना अपने आप में इतना घेरा लेकर के आ रहा है, तो मैं इसे तो हाईली सजेस्ट करूँगी। एंड जो इसका कोड आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा एंड प्राइस आपको स्क्रीन पे शो हो रहा होगा, आप वहाँ से चेक जरूर कर सकते हो। सो आपको वीडियो कैसी लगी ना मुझे कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताना, और आप मुझे इंस्टाग्राम पे भी फॉलो कर सकते हो। मेरा इंस्टाग्राम हैंडल इपिका फैशन विथ मी के नेम से, आप मुझे वहाँ पे फॉलो कर सकते हो, इवन आप वहाँ से ड्रेसेस भी बाय कर सकते हो। मिलती हूँ आपसे नेक्स्ट हॉल वीडियो में। कीप ऑन वॉचिंग एंड स्टे ट्यून्ड।